जिस तरीके से हम लोगों को घर वालों ने बताया कि पहले ये जो रसल वाइल पर था वो इस जगह पर था ऊंचाई पर, तब की रेयरली रसल वाइल पर ऊंचाई वाली जगह पर मिलता है, बट इनका जो बैक का लोकेशन है वो पूरा फॉरेस्ट एरिया से है और काफी सारी जो लताएं और नार है वो पूरे इस बैक एरिया को घेर के रखी है, जिससे सांप आने का खतरा ज्यादा रहता है। तो अपनी सेफ्टी के लिए हमेशा ऐसी जगह पे जाली लगवाना चाहिए। और उसके बाद वहाँ नीचे गिर गया और इसके पीछे जाके छिप गया है सांप, और देखते हैं चलिए कौन सा सांप है। देखिए ये है रसल वाइपर, जो पूरी दुनिया में 10 सबसे जहरीले सांपों की गिनती आती है ना, उसमें ये छठवें से सातवें नंबर पे इसका कम डाउन आता है। ये इतना जहरीला सांप है, लोग इसको देखकर अक्सर अजगर का धोखा खाते हैं, बट ये अजगर नहीं है। अजगर और इसके पैटर्न में बहुत फर्क होता है। ছাও পেলেছিল ऐसा साउंड रहता है विस्लिंग कुकर के जैसा साउंड देता है, विस्लिंग साउंड जिस तरह से कोबरा का साउंड हिसिंग साउंड होता है, इसका विस्लिंग साउंड है।
और ये बहुत डेंजरस सांप है, ये 360 डिग्री तक देख सकता है, ये अटैकिंग मोड पे है, देखिए। देखिए ये रसल वाइपर जो कि श्री माननीय धर्मलाल कौशिक जी के रेसिडेंस पे था और उनके सुपुत्र देवेंद्र कौशिक जी वो हमारे साथ बैठे हुए हैं और जिस तरह से पीछे इनका बैक साइड जो एरिया था वहाँ पर ये रसल वाइपर ऊपर बैठा हुआ था 40 मिनट पे और ये किसी को भी काट सकता था, किसी के फेस पे, किसी के बॉडी पे। मैं सांप के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये वर्ल्ड टॉप 10 में इसकी गिनती आती है, वर्ल्ड टॉप 10 वेनमस स्नेक में, इतना जहरीला सांप है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा इसको मत छेड़िए, ये बगैर छेड़े कुछ नहीं करता है, अपनी सेफ्टी के लिए हमें अलर्ट करता है विस्लिंग साउंड करके, जैसे विस्लिंग साउंड कर रहे हैं। इसलिए सांप के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि ये सांप रसल वाइपर, लेकिन इसको लोग अजगर समझते हैं, बहुत कुछ का पैटर्न अजगर जैसा दिखता है, तो अजगर जैसा दिखता है लेकिन अजगर नहीं है। ये इसका पैटर्न देखिए, भूरे कलर में काले काले गोल गोल छल्ले निशान बने हुए हैं और ये इसका मुख्य पहचान है कि ये अजगर नहीं है। और इसको हम लोकल में नौलखा भी कहते हैं, फसर्रा भी कहते हैं, जदर्रा भी कहते हैं। इसके लिए छत्तीसगढ़ में ये कहावत है कि अगर ये फूंक दे तो फूंकने से शरीर लग जाता है। तो माफ करिएगा, मेरा मेन पर्पस वीडियो का यही माध्यम है कि लोगों को हमारे वीडियो के माध्यम से पूरी दुनिया में जानकारी हो, अवेयरनेस आए, क्योंकि स्नेक बाइट में लोग सांप के जहर से कम लोग घबरा के डर से मरते हैं और हमारे डर का फायदा बैगा बाबा उठाते हैं झाड़ फूक देसी इलाज करके, और आप इससे सिर्फ आपकी जान जाएगी, आपको इससे राहत नहीं मिलेगा। तो ये जहर नहीं फेंकता है, जहर जो फेंकते हैं मोजाम्बिक स्पिटिंग कोबरा जो साउथ अफ्रीका में मिलते हैं और कहते हैं कि फूकने से, देखिए अभी कितना फूक रहा है, तो हम सबको जहर लग जाना था। तो ये जब तक काटेंगे नहीं अपने जहरीले दांतों से, हमारे स्किन के अंदर जहर नहीं डालेंगे, तब तक हमें कुछ नहीं होगा। और इसके लिए ये कहा था कि अगर फूक देगा तो उसको शरीर का हिस्सा सड़ने का डर लगता है, तो ये पूरी तरह से गलत बात है। इसका जहर जो है हीमोटॉक्सिन है और ये काटेगा तो काटे हुए जगह में बहुत तेजी से सूजन आएगा और कंटिन्यू ब्लीडिंग होगा और ब्लीडिंग होने के बाद बहुत मैंने बर्निंग पेन होगा, आप सह नहीं पाएंगे और इंटरनल हमारे ब्लीडिंग होगा, अंदर से खून निकलेगा और कभी मसूड़ों से, कभी कान से, नाक से, कान मैंने यूरिन से हमारे ब्लीडिंग हो सकता है, यूरिन पार्ट से भी खून जा सकता है और उसके बाद हमारा बीपी स्टेबल नहीं होगा और हमारी किडनी फेलियर की डेथ हो जाती है। अगर आप बच भी गए तो बचने के बावजूद भी वो स्किन का वो पूरा एरिया पूरा सेप्टिक सेमिया मानी गैंग्रीन हो जाता है, सड़ जाता है, इलाज होने के बाद भी कई बार संडे करने लगता है, उसको ऑपरेट करना पड़ता सही तरीके से। ये इतना खतरनाक जहर है, इसका एक पॉइजन जो है हीमोटॉक्सिन है। फिर भी मैं कहना चाहूँगा सांप हमारे पर्यावरण के दोस्त है और ये इनको मत मारिए क्योंकि इनकी जगह पर हम घुस गए हैं और इनका होना जरूरी है क्योंकि हमारे ये फूड चेन को कंट्रोल करते हैं, एक तरह से पेस्ट कंट्रोल का काम करते हैं, तो इनको बचाना है। अगर ये है तो हम हैं। तो प्लीज अगर आप लोगों को हमारा काम अच्छा लगता है तो YouTube में हमारा चैनल है स्नेक रेस्क्यू टीम बिलासपुर के नाम से, प्लीज उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि हर घर में जो सांप काटने से थोड़ी अज्ञानता की वजह से किसी की माँ, किसी के बेटा, किसी का बच्चा, किसी का पति, किसी का भाई, थोड़ी सी जानकारी को हम उनकी जान चली जाती है, तो प्लीज ये वीडियो वहां तक पहुंचाइए ताकि स्नेक बाइट से होने वाली संख्या में भारत में कमी आए, हमारा मेन उद्देश्य वही है। तो इस तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, किसी की हेल्प करते हुए, किसी की जान बचाते हुए और किसी गरीब परिवार का हेल्प करते हुए। थैंक यू, जय हिंद।